नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की खबर के साथ, क्योंकि महाराष्ट्र की महा विकास आघाड़ी सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में इसी को लेखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने एक अहम बैठक बुलाई है। इधर महाराष्ट्र कांग्रेस की होने वाली बैठक में संजय राउत बतौर पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहेंगे। इस बीच एकनाथ शिंदे की बगावत को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हुए नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। उधर राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में लगभग 20 नामों पर चर्चा की गई है, जिसके बाद द्रौपदी मुर्मू को आपको बता दें उम्मीदवार बनाने की घोषणा की गई। बता दें कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी महिला आदिवासी नेता को मौका दिया जा रहा हो। बुलंदशहर में साइबर सेल की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और पीड़ित के अकाउंट से हुई ठगी के पैसे को वापस दिलवाने में मदद की है। बता दें कि पीड़ित अजय कुमार ने इसी को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ठगी के 90,000 रुपये पीड़ित के खाते में ट्रांसफर करवाए और मामले की जाँच में जुट गई। बुलंदशहर के जिला न्यायाधीश पंकज कुमार सिंह और जिलाधिकारी आपको बता दें चंद्र प्रकाश सिंह ने संयुक्त रूप से जिला कारागार का औचक स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैदियों को मिल रही व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस मौके पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जेल अधीक्षक, जेलर समेत कारागार के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। बुलंदशहर के वृद्धव गौशाला में चोरों ने लाखों की सोलर प्लांट की चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई। चोरी की सूचना मिलने के बाद शाम पर्यावरण ट्रस्ट के कुछ लोग वहां पर गौशाला पहुंचे, जिसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले की शिकायत दी गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। आरोपियों की तफ्तीश पुलिस के द्वारा की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आपको दिखा रहे हैं, जहां गौशाला के अंदर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। हालांकि चोरों के मंसूबे वहीं पर ध्वस्त होते हुए नजर आए, जब ये पूरी वारदात जो है वो सीसीटीवी कैमरे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस तरह से सोलर प्लांट में चोरी करने की कोशिश की जा रही है, और ये पूरे मामला जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई। अमेठी के बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र के खेमेमऊ गांव में जमीनी रंजिश को लेकर दलित परिवार से मारपीट का मामला सामने आया है। इस दौरान दबंगों ने परिवार के लोगों को जमकर लात घूंसे मारे, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस को मामले की शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के बरेली में सुबह तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इज्जत नगर थाना क्षेत्र में एक स्विफ्ट गाड़ी और ट्रक में आपस में टक्कर हो गई, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 5 शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही शवों की शिनाख्त करके घटना की जानकारी परिजनों को दे दी है। वहीं लखनऊ के हजरतगंज थाना अंतर्गत डालीबाग क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा होने से बच गया, जहां एक बोलेरो कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं प्रतापगढ़ एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान लेखपाल संजय यादव को एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और लेखपाल से नगर कोतवाली में पूछताछ की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि पट्टा दिलाने के नाम पर 5,000 रुपए की घूस मांगने के आरोप पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।
सहारनपुर के कक्कड़गंज वाराणसी दास मार्केट में कपड़े की दुकान में लाखों की चोरी का मामला आपको बता दें सामने आया है। बता दें कि ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आरोपियों की तफ्तीश पुलिस के द्वारा की जा रही है। और वहीं हांगकांग का प्रसिद्ध तैरता रेस्टोरेंट दक्षिण चीन सागर में 1000 मीटर तक डूब गया। बता दें कि यह घटना हांगकांग के पैरासेल द्वीप के पास हुई है। जानकारी के मुताबिक प्रतिकूल हालातों के चलते इस जंबो रेस्टोरेंट की मुख्य बोट डूब गई। हालांकि हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। रेस्टोरेंट को बचाने का प्रयास लगातार प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।